सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप आईपीएल के फैंस हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, आईपीएल के 11वें सीजन में रविवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराया। फिर उसके बाद दिन के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम किंग्स 11 पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया। रविवार को आए इन दोनों नतीजों के बाद पॉइंट्स टेबल के अंकों के समीकरण के अनुसार चार टीमों ने प्लेऑफ राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन दोनों मैचों के बाद मौजूदा आईपीएल सीजन के लिए टॉप चार टीमों के नाम सामने आ गए हैं, जिन्होंने प्लेऑफ राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का नाम शामिल है। दिन के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने किंग्स 11 पंजाब के 153 रनों के जवाब में 5 विकेट खोकर 19.1 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। प्ले ऑफ मैचों का कार्यक्रम क्वालिफायर 1 सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, एलिमिनेटर कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, क्वालिफायर 2 यहां क्वालिफायर 1 के मुकाबले में हारी टीम का सामना एलिमिनेटर में जीती हुई टीम के साथ होगा। इसके बाद फाइनल मुकाबला 27 मई को खेला जाएगा। मैचों के समय में हुआ बदलाव, आईपीएल 2018 के प्ले ऑफ राउंड में होने वाले मैच रात के 8 बजे से नहीं होंगे, इनके समय में बदलाव किया गया है। यह मुकाबले अब तय समय से 1 घंटे पहले यानी शाम के 7 बजे से खेले जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैच रात को देर से खत्म हो रहे थे, दर्शकों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया। आपके मुताबिक कौन सी दो टीमें फाइनल में पहुंच सकती हैं, आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपने नेगा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।